यूपी के पुनासा में सिंगाजी ताप परियोजना के गेट के सामने नौकरी में आरक्षण को लेकर सिंगाजी परियोजना जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों पुत्रों के आंदोलन में कांग्रेस के लोकसभा नेता सोनू गुर्जर ने पहुंचकर दिया समर्थन। बोले सांसद, बोले नौकरी नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। 13 गांव के 489 किसानों की जमीन पर बनी है सिंगाजी ताप परियोजना। सिंगाजी ताप परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले 13 गांव के 489 किसानों के पुत्रों ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी में लिखित आश्वासन देने के बाद भी आरक्षण नहीं देने पर शुक्रवार से परियोजना के गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन चालू। वहीं किसान पुत्रों के धरने को लेकर समर्थन देने खंडवा लोकसभा से कांग्रेस के नेता सोनू पहलवान गुर्जर यहां पर पहुंचे और किसानों के पुत्रों से जमीन अधिग्रहण के कागजों को पढ़कर पूरी तरह से समर्थन किया। इसी बीच किसानों ने नौकरी नहीं तो वोट नहीं देने के नारे भी लगाए। हम 2010 से परेशान हैं और ये धरना इसलिए रखा गया है, हमारे साथ अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं। किसान एक समझ लो सीधा साधा है, उसको ये परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हम धरना करते हैं तो थोड़ी सी हमारी सुनवाई हो जाती है और इस बार तो हमने ऐसा सोच लिया कि पूरा प्लांट भी बंद करेंगे, रेल आंदोलन भी करेंगे और जो भी फिर हमें आगे सद्बुद्धि देगी भगवान वो हम करेंगे। करता है बेरोजगारी, मेरे युवा याद करते हैं तो मैं तो इनके बीच में आऊंगा और बैठूंगा। आज इन लोगों ने आज सिंगाजी पावर प्लांट पर धरने का कार्यक्रम इन्होंने रखा कि हम धरने पे बैठे, ये नौबत क्यों आई? जब सरकार ने लिख के दिया है कि मेरे किसानों की जमीन ली एक तरफ, दूसरी तरफ बोला कि 100 भर्ती होगी तो 30 आपके बेटों को लगाएंगे, एक तरफ आप जमीन भी ले लेते हो दूसरी तरफ आपके बेटों को फांसी की सजा भी दे देते हो, ये कौन से न्याय में है भाई? ये इनका अधिकार मांगते हैं, 2018 में लिख के दिया है कि 100 पदों की भर्ती पे 30 किसान की भर्ती होगी और उसमें देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।